पिता के सामने हाथी आया है, तो सभी हम दौड़ के जा रहे हैं हाथी देखने के लिए। चलो चलो जल्दी निकलो जल्दी निकलो। अरे मेरे के हाथ हाथ तू हाथ हाथ ये देखो भाई ये देखो। हाँ जा 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 ए उतरो ना उतरो। अरे वो नहीं पाया नहीं पाया वो भाई 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 जस्ट मशीन है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो आज फिर से मैं इसी जगह से व्लॉग शुरू कर रहा हूँ। ये जगह मेरे घर से लगभग 1 किलोमीटर के अंदर में पड़ता है और ये रास्ता नहीं है भाई, ये स्वर्ग का रास्ता है। इतना अच्छा लगता है मुझे ये रोड कि क्या बोलूँ, इसलिए मैं हर बार यहाँ से व्लॉग शूट करता हूँ। तो और यहाँ पर हम लोगों को मिलता हुआ एक साइकिल राइडर। कहाँ तक जाना है? मैं वर्ल्ड ट्रिप कर रहा हूँ सिंगापुर तक। कहाँ से निकले? जम्मू से, सिंगापुर। जम्मू से? अच्छा अभी इधर से कहाँ से आ रहे हो? अभी लास्ट डेस्टिनेशन मेरा कोलकाता था। अच्छा सिलीगुड़ी जा रहे हो? आज वहाँ पे स्टे करोगे? अरे बाबा अच्छा अच्छा लगा मिलके। चलो सेफ राइड। सो हमको रास्ते में मिले थे एक साइकिल राइडर। जयपुर जावे हैं जा रहा हूँ जम्मू कश्मीर। वो ये भैया मिले जो कि है जम्मू से, जैसा कि मैंने पहले ही बोला जम्मू से है। 9 स्टेट उनका हो गया है कंप्लीट घूमना। अभी लास्ट स्टॉप था कोलकाता में, अभी सिलीगुड़ी जा रहे हैं, उसके बाद दार्जिलिंग वार्जिलिंग कालिम्पोंग कर्शियांग होकर उसके बाद जाएंगे सिंगापुर। सो ऐसे जज्बे वालों को सैल्यूट है दिल से, बहुत सारा प्यार है भाई। हम लोग बाइक से घूम नहीं पाते, बाइक से घूमने में हम लोग बाइक से नहीं घूम पाते, हम लोग बाइक से नहीं घूम पाते, आप साइकिल से भाई। क्या आप लोगों ने देखा कि स्टार्टिंग में हम लोगों को एक भैया मिले थे जो कि कर रहे वर्ल्ड टूर भाई, वर्ल्ड टूर। कैसा लगता है सुनने में ही कि वर्ल्ड टूर, और वो भी साइकिल से। बाइक से होता, फोर व्हीलर से होता, किसी और कोई किसी व्हीकल से होता तो भी पता चलता, मतलब समझ में आता, लेकिन क्या बोले साइकिल से, मतलब अलग ही। सो आज व्लॉग करने का कोई स्पेशल कारण तो नहीं था, ऐसे छोटे छोटे कारण से एक ब्लॉग बनता है, अच्छा सा ब्लॉग बनता है। सो बेसिकली आज हम लोगों को जाना था थोड़ा आसपास में क्योंकि दीदी को ब्लॉग बनाना था। सामने देख सकते हो दीदी। चलो बस बस। सो अभी अपने माउंटेन गर्ल सुवर्णा राइड करने वाली है न्यू बाइक। सो फिलहाल अभी अपने माउंटेन गर्ल सुवर्णा राइड करने वाली है बाइक। क्योंकि उनको बाइक चलाने का बहुत शौक है। देखो चल गई, तो हम पीछे पीछे जा रहे हैं अभी, सपोर्ट कर रहे हैं दीदी को। सो दीदी मैं बोल रहा था बहुत पहले से कि दीदी को ब्लॉग बनाना था। तो वो दीदी, ये दीदी है अपने विधाननगर का अपकमिंग सुपरस्टार माउंटेन गर्ल सुवर्णा। सो चलते हैं। हमारा तो सब ही ऐसे, हमें क्यों बोलो ওটাই তো ওনারশিপে কেস দিবে। ওনারশিপ ওনারশিপ ভাই সে বিশাল দা বিশাল তো নাই এখানে, তাহলে ঘুরে চলো। টাইপো দি সামনে, এখান থেকে বেশি দূর না, ঘুরা নাও। থোড়া সা গড়বড় হো গিয়া, সামনে দেখ সকতে হো ওহা পে চেকিং চল রহা হে। সো মিলা তো সব কুছ হে, লেকিন দিদি কা লাইসেন্স ভি হে, লেকিন গাড়ি দিদি কা নাম পে নাই হে। ইস বজে সে হাম লোগ ঘুম কে জা রহে হে পিছে ওয়ালে রোড সে, সামনে হর এক গাড়ি কো পকড় রহা হে। সো রিস্ক কিউ লেনা, ওনারশিপ কা কেস কিউ খায়ে হাম। सो यहाँ से घूम के पीछे वाले टाइपो से चलते हैं। दोस्तों देखो, कुछ चीज़ें अगर आपके लाइफ में हो रही है ना, तो उसका हर वक्त नेगेटिव मतलब भी मत निकालो, कुछ पॉजिटिव मतलब भी होता है उसका। देखो उस रूट से हम लोग जा रहे थे तो सामने पुलिस आया, हम लोग घूम के इस रूट से आए। वो रूट अच्छा था, बहुत ही अच्छा था, हाईवे से हम लोग जाते, लेकिन वहाँ पर व्यू उतना बढ़िया नहीं था। ये रोड थोड़ा नैरो है, लेकिन इसमें व्यू देखो दोस्तों, क्या मस्त व्यू है। मतलब गाँव के अंदर से ये
रोड थोड़ा ख़राब है, लेकिन देखो कितना शांत रोड है, कितना अच्छा, कितना प्यारा रोड है। सो हर चीज़ में नेगेटिव मत निकालो, कुछ पॉजिटिव भी है। उस रूट से हम लोग व्यू नहीं इंजॉय कर पाते, लेकिन इस रूट से प्रॉपर व्यू इंजॉय करते हुए हम लोग जा रहे हैं। देखो दोनों तरफ चाय बागान, मिडिल में से इतना प्यारा सा रोड। सो इंजॉय द एवरी मोमेंट। कुछ नेगेटिव चीज़ होता है तो पॉजिटिव के लिए होता है। भाई भाई भाई, ये रोड का एक अलग ही भाई है दोस्तों, अलग ही भाई है ये वाले रोड का। अरे भाई नज़ारे देखो, नज़ारे क्या मस्त लग रहा है भाई, खतरनाक बिल्कुल। अब पीछे चल रहा है दीदी का रील शूट या फिर कुछ व्लॉग के लिए शायद से। ये देखो गई लेडी बाइकर, मस्त लग रहा है ना भाई ये बाइक दीदी के ऊपर। दीदी को भी बोलना पड़ेगा कि यही एक जावा का न्यू मॉडल जो आया है वही ले लेना, मस्त लगेगा। दीदी को भी बाइक चलाने का बहुत शौक है, तो एक बाइक रहेगा। दीदी पूरा खुश है बाइक चला के भाई, क्योंकि रोड इतना अच्छा है ना, और इतना अच्छा अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ पे, वीडियो आ रहा है। और शामन रुको। सो दीदी बहुत खुश है। तो दोस्तों फिलहाल अभी हम लोग आ चुके हैं जंगली बाबा मंदिर पे। सो इधर कहीं पे बाइक को पार्क करते हैं और मंदिर के अंदर चलते हैं, बाबा जी के दर्शन कराते हैं। A few moments later. सो फिलहाल गाइस निकल रहे हैं यहाँ से जंगली बाबा से। बहुत सारा फोटो रील वगैरह लेना हो गया है, जो कि आपको इंस्टाग्राम में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम हैंडल डिस्प्ले हो रहा होगा यहाँ पे, आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो तो जाके फॉलो कर सकते हो। मैं वहाँ पे भी कुछ कुछ वीडियो डालता रहता हूँ, लाइक कर सकते हो, वीडियोस को शेयर कर सकते हो। सो इंस्टाग्राम हैंडल है, आप लोग जाओ देखो। अभी यहाँ से हम लोग जा रहे हैं MM तराई, शायद से टिपू खोरा पिकनिक स्पॉट में थोड़ा देर रुकेंगे, वहाँ पर थोड़ा वीडियो करना है दीदी को, वहाँ पर वीडियो करते हैं। दोस्तों हम लोगों को यहाँ पर अंदर जाने के लिए टिकट काटना पड़ेगा, जो कि है पर हेड 20 रुपीज़ करके। बाइक का 10 रुपीज़ है, लेकिन भैया ने हम लोगों को डिस्काउंट दिया, बाइक का 10 रुपीज़ नहीं देना पड़ेगा। इनके लिए डिस्काउंट दिया, माउंटेन गर्ल्स बनने के लिए। सो अंदर चलते और जाके थोड़ा वीडियो करके आते। चलो अंदर चलते और चल के थोड़ा सा वीडियो बना के आते। बहुत बार हम आ चुके हैं यहाँ पे, आप लोगों ने मेरे पिछले ब्लॉग में भी देखा था, जो मेरे ब्लॉग पहले से देखते हैं। और यहाँ पे देखो लिखा आई लव टिपू खोरा, लव का रेड सिग्नल उठ गया है यहाँ पे। और इधर पे पिकनिक स्पॉट है, छोटा छोटा दुकान टाइप का है कुछ खाने के लिए, अगर आप कुछ चाहो खाना वाना तो उसके लिए है दुकान स्टॉल। पहले दुकान स्टॉल इस तरह हुआ करता था, लेकिन अभी कुछ कारण की वजह से इधर पर नहीं है। सो अंदर चलते हैं यहाँ से और देख के आते हैं अंदर। So, दोस्तों फिलहाल अभी बाइक चेंज कर चुके हैं हम, अभी रील्स के लिए ये बाइक जावा। सो देखते कैसा रील्स आता है। फिर हम यहाँ से अभी जा रहे हैं MM तराई की ओर। और ये रोड देखो कितना अच्छा रोड है, कितना सुनसान फाका रोड है, पूरा क्लीन रोड है, कोई नहीं है इस रोड पे। और कोई नहीं बोलते सामने से एक स्कूटी आ गया। सो अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं MM तराई की ओर। MM तराई में जाएंगे, थोड़ा वीडियो करेंगे, ड्रोन उड़ाएंगे, उसके बाद चलेंगे घर पे। और यहाँ पे हम लोगों का 2 बीस्ट। सो चलो चलते हैं MM तराई की ओर। फिलहाल ये वाला रूट जाता है पानीघाटा की तरफ, लेकिन हम लोग इधर नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोग को जाना है MM तराई, जिसके लिए हम लोग को लेना पड़ेगा ये वाला रूट। सामने देख सकते हो आर्मी कैंप है, और दूर में पहाड़ दिख रहा होगा कि नहीं आप लोगों को, आई थिंक GoPro में उतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मैं आगे जाके आप लोगों को मोबाइल से दिखाता हूँ। और अभी सामने है भाई और दीदी, मैं हूँ पीछे। तो चलो चलते हैं MM तराई में, वहाँ पर जाके अगर ड्रोन हम उड़ा पाए तो ड्रोन का शॉट्स आपको दीदी के चैनल में मिल जाएगा, ड्रोन का व्यू। और देखते क्या क्या करते हैं वहाँ पर जाके, वो सब आप लोगों को ब्लॉग में शेयर करेंगे। फाइनली वी रीच द स्पॉट, पिकनिक स्पॉट MM तराई। हेयर इधर देख सकते हो आप पहाड़ का नज़ारा,
अभी टाइम हो रहा है 3 बज चुके, इसलिए सनलाइट थोड़ा कम है, लेकिन दिख रहा है, फिर भी दिख रहा है थोड़ा थोड़ा करके। वहाँ पे लोडिंग हो रहा है पत्थर या फिर बालू का। और ये पानी देखो, आप लोग पिकनिक में जब आओगे तब ऐसे ही पानी देखने को मिलेगा। और इधर का व्यू देखो क्या मस्त लग रहा है भाई। उधर देखो पहाड़, मतलब ट्रैक्टर से पत्थर लिया जा रहा है। और ये भी अभी पत्थर लोडिंग के लिए आया है। सो यहाँ पे एंट्री के टाइम हम लोगों को 30 रुपये लगा था, क्योंकि तीन जन हम आए थे, इसे 30 रुपये लगा। सो अभी यहाँ पे दूर पे एक गुफा है, आप लोग पता होगा, जो जो बंदे यहाँ पे आए हैं नहीं पता होगा तो हम लोग आपको चल के भी दिखाएंगे वहाँ पे। चलो उड़ेगा ड्रोन, उड़ रहा है ड्रोन, जाओ। तो गाइस देख सकते हो अभी हम लोग का खाना यहाँ पे निकल रहा है। तो भाई लोग आए थे हम लोगों के विधाननगर से, वो लोग चिकन बनाए थे तो हम लोगों को दिया था चिकन, और हम लोग पैक करके लाए थे चिकन फ्राइड राइस और नूडल्स। तो एक गुफा टाइप का कुछ एक है, मतलब गुफा मतलब जाने के लिए, ऊपर से पेड़ वेर ऐसा हो गया कि ऐसा लग रहा है कि कुछ हॉन्टेड टाइप का कुछ है, लेकिन ऐसा कुछ है तो नहीं। यहाँ पे नॉर्मली मतलब जाने के लिए एक जगह है। सो एक अलग सा एक भाई बात आए। सो अभी हमें थोड़ा अंदर तक जाते चल के जाते, उसके बाद यहाँ से निकल के फिर हम लोग चलते घर की तरफ। भाई लोग ने बोला कि सामने हाथी आया है, तो सभी हम दौड़ के जा रहे हैं हाथी देखने के लिए। हाथी देखने के लिए जा रहे हैं, हाथी हाथी वाह भाई 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 हाथी देखेंगे। वो देखो हाथी, जूम करो जूम करो, इससे जूम करो भाई भाई, वो भाई 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 ये जंगली हाथी है भाई, जंगली हाथी। ओ यार ये देखो ये देखो, चलो चलो जल्दी निकलो जल्दी निकलो। वो भाई देखो देखो, वो देखो हाथी है क्या, उन्हें मास्क में जल था ना। जंगली है, जंगली भाई। वो देखो भाई उधर है हाथी, गोप्रो में दिख रहा होगा क्या। अरे ये होने की दराई, होने की दराई, हाथी हाथी गणपति बप्पा इधर आओ। भाई ये देखो भाई ये देखो, हाँ जाओ जरा जरा, ये देखो भाई ये देखो, देखो कितना सामने आ गया हाथी, देखो भाई। ए उठते पर बना, उठते पर बना, अरे नहीं उठ पाएगा, नहीं उठ पाएगा। ओ भाई 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 गनु भैया, गनु भाई बाय बाय। ओ भाई इधर आ, इधर आ। ओ भाई 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 बाय बाय भाइयो, की व्यू भाई देखो देखो, मिरेकल मिरेकल, हट हट तू वहां से, हट जल्दी वहां से हटो, जल्दी वहां से हटो, ये वन ओनली वन फ्रेम में रहेगा भाई भाई। ओ जो सूर दिए जलटा मारो ना, फोटो देखो देखो व्यूटा देखो गाइस, एबार এখানে একটা ফটো তুলি, এখানে একটা ফটো তুলি, দারুণ আসছে না, থাকতে জল আসছে, কি লাগ রাখা। तो गाइस देखो क्या देखा हम लोगों को यहाँ पे जंगली बाबा में आके, सॉरी जमीन तरह में आके, भाई हाथी भाई, जंगली हाथी वो भी, और कितना सामने है हमारे से, बस एक छोटा सा 2-3 मीटर का दूरी है। उनका पानी पीना हो गया और वो जा रहे हैं अभी। देखो देखो देखो, हाय हाय भाई हाथी दिख गया आज, हाथी अभी हाथी महाशय पानी पीने आए थे, पानी पीना हो गया, हम लोगों को दर्शन करवा मने मतलब देने आए थे, दर्शन दे दिए, अभी जा रहे हैं अपने घर फॉरेस्ट में। सो यहाँ पे निकलने के टाइम लोगों को बजरंगबली
दिख गए बजरंगबली का मंदिर। सो जय बजरंगबली। कमेंट में सभी अरे लिख देना बजरंगबली, जय बजरंगबली। अरे बाबा क्या ऑफ रोड है भाई। हम लोग हाँ एम एम तराई से जंगल बाबा होके नहीं गए क्योंकि अभी शाम का टाइम है और हाथी ही निकलने का डर है, इसलिए हम लोग प्रॉपर बागडोरा होके अपने एन एस 31 होके घर जाएंगे। सो व्लॉग को एंड करते हैं। व्लॉग अच्छा लगा हो तो व्लॉग को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, व्लॉग को लाइक कर देना, एक ही बात है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सेफ रहना दोस्तों, अच्छे रहना, बाय बाय।